यशोदा का ट्रेलर हुआ रिलीज। समंथा ने निभाई एक सरोगेट माँ की भूमिका। जी हाँ, समंथा रुद्र प्रभु की आने वाली तमिल तेलुगु दुभाषी थ्रिलर यशोदा का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया। सीन्स के अनुसार फिल्म सरोगेट मदर से जुड़े एक अवैध रैकेट के बारे में एक्शन थ्रिलर की तरह दिखती है। समंथा ने यशोदा की भूमिका निभाई है और ट्रेलर में वादा किया है कि एक सरोगेट माँ का उनका चरित्र अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। वही ट्रेलर ये भी आश्वस्त करता है कि ये एक बेहतरीन थ्रिलर होगी जिसमें समंथा के लिए अपने एक्शन स्किल्स को बढ़ाने की अच्छी गुंजाइश होगी। यहाँ तक कि कुछ ऐसी सीन्स हैं जहाँ समंथा को कुछ गार्ड से सिर्फ एक डंडे से लड़ते हुए देखा जा सकता है। ट्रेलर से समझ आ रहा है कि कहानी यशोदा पर है जो पैसों के लिए सरोगेट मदर बनती है। वह ईवा में एडमिशन लेती है जो एक ऐसी कंपनी है जो सरोगेसी के माध्यम से लोगों को पेरेंट्स बनने के उनके सपनों को पूरा करने में मदद कर रही है। हालांकि ये वैसा नहीं है जैसा ईवा में लगता है। समंथा ने ट्रेलर इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। शेयर करते समय उन्होंने कैप्शन में लिखा, पहली बार जब मैंने स्क्रिप्ट को सुना तो मैं चकित रह गई। मुझे आशा है कि आप भी ऐसा अनुभव करेंगे। बता दें, समंथा के अलावा फिल्म में वरलक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, राव रमेश, मुरली शर्मा, संपत राज, शत्रु, मधुरिमा, कल्पना गणेश, दिव्या श्रीप्रदा, प्रियंका शर्मा भी है। हरि और हरीश द्वारा निर्देशित यशोदा श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवलेखा कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित है और 11 नवंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। समंथा जो वर्तमान में अपनी पिछली रिलीज काथू वकुला रेंदु काधल की सफलता के आधार पर काम कर रही है, आगामी मैग्नम ऑप्स शकुंतलम की रिलीज की प्रतीक्षा कर रही है। साल 2020 में फिल्म के लॉन्च पर बोलते हुए समंथा ने कहा था, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और ड्रीम रोल भी। वह पहली बार गुणशेखर के साथ काम कर रही है। इसी बीच हॉलीवुड के लिए भी विवाद है क्योंकि वह अरेंजमेंट ऑफ लव के साथ अपनी इंटरनेशनल फिल्म की शुरुआत करने के लिए तैयार है। इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर और ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिएगा OTT इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।